अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसका पार्ट टू है, यानी कि दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने ब्राजील का जो वेजिटेशन होता है यानी जो प्लांट होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल जो होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इंडिया का जो प्लांट और एनिमल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 9 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं सभी चैप्टर का जो भी आंसर क्वेश्चन और मैप रहेगा मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सारे चैप्टर कवर करूंगा, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो रहेगा एकदम अच्छे से क्लियर रहेगा। कोशिश करो आप टाइम दो, टाइम दोगे तभी आप सीख पाओगे, है ना। ठीक है, चलो समझते हैं। इंडिया वेजिटेशन, इंडिया में कौन कौन सा प्लांट कौन कौन से प्लेसेस पे पाए जाते हैं हम इसको समझेंगे। वेजिटेशन यानी कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इन रीजन विच रिसीव मोर देन 2000 mm ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलोंग विद अबंडेंट सनलाइट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। ये जो मैं लिखा हूं यहाँ पे, ये आपके टेक्स्ट बुक का है। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप समझ लो, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िएगा, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इन रीजन विच रिसीव मोर देन 2000 mm, मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे 2000 mm क्या होता है, रेनफॉल होता है। कितना बारिश होता है, 2000 mm, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होती है। और क्या होता है, अबंडेंट सनलाइट, मतलब भरपूर सनलाइट मिलता है, मतलब ज्यादा अबंडेंट यानी कि ज्यादा। ऐसे प्लेस पे जहां पे 2000 mm रेनफॉल होता है यानी कि बारिश होता है, और जहां पे सनलाइट एकदम अच्छा होता है, ज्यादा होता है, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। वहां पे कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ऐसे ट्रीज जो साल भर कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर हुआ। द लीव्स ऑफ द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन। जो एवरग्रीन में जो फॉरेस्ट होते हैं उनका लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती हैं, जो ट्रीज होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं कैसे होते हैं, ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड यानी कि चौड़े होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं यानी जो लीव्स होते हैं कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं यानी चौड़े होते हैं, और ग्रीन होता है, एकदम हरा होता है। समझ में आ गया। द ट्रीज हैव हार्डवुड हैवी एंड ड्यूरेबल। जो ट्रीज होते हैं वो ट्रीज के जो वुड होते हैं यानी जो लकड़ी होती है वो हार्ड होता है यानी कि मजबूत होता है, और ड्यूरेबल होता है, काफी लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, जैसे कि फर्नीचर बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर हुआ। कौन कौन से वो ट्रीज हैं उसका नाम यहां पे मैं ले रहा हूं, जो मैं ट्रीज का नाम ले रहा हूं, अगर आपने ये ट्रीज नहीं देखा है तो एक बार गूगल इमेजेस में जाके ये ट्रीज का नाम डाल के चेक जरूर कर लेना, आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। कौन कौन से एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पहला है महोगनी, समझ में आ गया। दूसरा है रोज वुड, क्या है, महोगनी यानी सागौन होता है, सागौन आपने नाम सुना रहेगा। रोज वुड, इसको हम लोग सीसम बोलते हैं, रबर एटसेट्रा, ये सब कौन से हैं, एवरग्रीन ट्रीज हैं। समझ में आ गया। ऑल्सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर्स फाउंड हियर। अभी क्रीपर्स क्या होता है आप इसको समझ लो, आपने ट्रीज देखा रहेगा, ट्रीज के ऊपर कुछ ऐसे क्रीपर्स मैं आपको बता रहा हूं, है ना। आप देखे रहोगे ट्रीज होता है, कुछ झाड़ियां जो होती हैं लटक के ट्रीज के ऊपर चढ़ती हैं, रस्सी के जैसे लटक के क्या होती हैं, ट्रीज के ऊपर चढ़ती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स। अगर हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहां पे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, महोगनी, रोजवुड, रबर, और उसके साथ हमें क्रीपर्स भी देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। ये था एवरग्रीन का फॉरेस्ट। Highest diversity is found in this forest. हमें बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं कहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होता है,
जहां पे 2000 mm से ज्यादा बारिश होती है और जहां पे सनरेज यानी जो सूर्य की किरणें होती है अच्छी मिलती है यानी कि ज्यादा मिलती है, वहां पे क्या होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पैरा समझते हैं। इन रीजंस रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm टू 2000 mm इंडिया। अभी यहाँ पे देखो जहां पे रेनफॉल कितना होता है 1000 mm से लेके 2000, यहाँ पे 2000 से ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे 1000 से लेके 2000 mm तक रेनफॉल जहां पे होता है इंडिया में, डेसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। अभी डेसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है आप इसको समझ लो, डेसीडियस का मतलब क्या होता है पतझड़। ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, गर्मी आने में पत्तियां झड़ जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट। समझ में आ गया? आपने अपने आजू बाजू में ट्रीज देखा रहेगा, जब गर्मी आती है मार्च अप्रैल का महीना आता है तो जो ट्रीज रहती हैं उनकी सारी की सारी जो लीव्स होते हैं पत्तियां होती है गिर जाती हैं, ऐसे ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं डेसीडियस। समझ में आ गया? जहां पे 1000 mm से लेकर 2000 mm तक रेनफॉल होता है इंडिया में, वहां पे कौन सा डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? इन ड्राई सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स। जब यहाँ पे देखो इन ड्राई सीजन यानी जब गर्मी का मौसम आता है, दीज शेड देयर लीव्स यानी जो ट्रीज होती हैं वो अपनी पूरी पत्तियां क्या करती हैं गिरा देती हैं, है ना, सो दैट वाटर इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। अभी होता क्या है, जब गर्मी आती है बारिश तो होता नहीं, इवेपोरेशन होता है यानी कि जब सनरेज ट्रीज के ऊपर पड़ती है तो जो ट्रीज के अंदर जो वाटर होता है वो सनरेज क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है, तो ट्रीज अपने वाटर को स्टोर करने के लिए बचाने के लिए सारी पत्तियां क्या कर देती हैं गिरा देती हैं, है ना, उसको कौन सा हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? तो कौन कौन से ट्रीज हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं डेसीडियस फॉरेस्ट कहे जाते हैं, तो है आपका टीक, है ना, टीक, बांबू, बनियान, पीपल। तो ये सब आपने बांबू देखा रहेगा, बनियान ट्री देखा रहेगा, पीपल देखा रहेगा, टीक यानी कि सागौन। हाँ सॉरी, हाँ ऊपर मिस्टेक हुआ था, टीक का मतलब होता है सागौन। हाँ तो सागौन का मतलब क्या होता है आपको मालूम रहेगा, अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप गूगल इमेजेस पे जाके टाइप कर लेना टीक, बांबू, बनियान, पीपल, ये सारे ट्रीज आप देख लेना, ये सब कौन से ट्रीज हैं डेसीडियस हैं। क्लियर हुआ? जी, गर्मियों में क्या होते हैं इनके पत्ते गिर जाते हैं। एटसेट्रा आर दी ट्रीज फाउंड इन दी दिस फॉरेस्ट, मतलब डेसीडियस फॉरेस्ट में क्या होता है ये सारे टीक, बांबू, बनियान और पीपल टाइप ऑफ ट्रीज देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं पहला, रीजन्स दैट रिसीव्स लेस देन 500 mm ऑफ रेनफॉल एंड एक्सपीरियंस ड्राई समर फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन इंडिया। देखो जहां पे बारिश कम होता है, हाँ रीजन मतलब इंडिया का ऐसा प्लेस जहां पे बारिश कम होता है 500 mm से कम होता है रेनफॉल, और क्या होता है गर्मी ज्यादा पड़ती है ड्राई समर यानी कि गर्मी ज्यादा होता है लॉन्ग पीरियड के लिए लंबे टाइम के लिए, है ना। थोर्नी एंड सर्व श्रब टाइप वेजिटेशन आर फाउंड। यहाँ पे देखिए थोर्नी वेजिटेशन क्या होता है, थोर्नी वेजिटेशन यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो कटीली झाड़ियां होती है जिसमें कांटे होते हैं ना, उसको हम लोग थोर्नी वेजिटेशन कहते हैं जिसमें कांटे होते हैं। क्लियर हुआ? जहां पे 5000 mm से कम बारिश होती है और जहां पे गर्मी जो होता है लॉन्ग पीरियड के लिए होता है वहां पे थोर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड श्रब, श्रब यानी कि जो छोटे छोटे घास और जो कटीली झाड़ियां होती है वही यहाँ पे देखने को मिलता है। टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं नाम ले रहा हूं इसको गूगल पे चेक कर लेना, क्या कैटेशु, अकासिया, अकासिया तो आपको मालूम रहेगा बबूल होता है, खेजड़ी टेक्स्ट बुक के पीछे दिया गया है, खेजड़ी क्या होता है देख लेना, अकासिया भी दिया गया है, एंड वराइटीज ऑफ कैक्टस, यहाँ पे कैक्टस भी उगता है, कैक्टस में जैसे कि एलोवेरा हो गया, अगावे हो गया, है ना। तो जहां पे कम बारिश होती है वहां पे कटीली झाड़ियां होती हैं जिसमें कांटे होते हैं और कैक्टस उगता है ना, क्योंकि उनको पानी की जरूरत कम होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पैरा समझते हैं, इन स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी यानी कि जहां पे दलदल होता है ना, वेटलैंड, जहां का लैंड जो होता है गीला होता है उसको हम लोग स्वैम्पी एरिया बोलते हैं। इन स्वैम्पी एरियाज एस्चुरीज एंड द लंगूस लंगून्स नियर कोस्टल एरिया,
एस्चुरीज क्या होता है? जहां पे रिवर जो होता है ओशन के साथ, बड़े समुद्र के साथ मिलती है, तो उसको हम लोग एस्चुरीज कहते हैं। और लंगूंस का मतलब होता है कि जहां पे जो नदी का किनारा होता है, जहां पे गहराई कम होती है ना, जहां पे एक सागर होता है जहां पे आप आसानी से खड़े हो सकते हो, कम पानी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंगूंस। नियर ये सब कहाँ पे मिलता है? नियर दी कोस्टल एरिया। अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे तो क्या होता है, गहराई कम होती है ना। हैविंग सैलिन सॉइल, वहां की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, कैसे होती है? सॉल्टी होती है, नमकीन होती है ना। नदी के किनारे जाओगे वहां पे जो मिट्टी होती है सॉल्टी होती है, नमकीन होती है। और क्लाइमेट कैसा होता है? मॉइस्चर, मोस्ट क्लाइमेट है ना, वहां का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉइस्चर होता है, यानी कि हवाओं में जो वाटर का वाटर ज्यादा होता है एयर के अंदर है ना। कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड, वहां पे कौन से टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है? कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। दे आर कॉल्ड द मैंग्रोव्स, उन ट्रीज को हम लोग जो नदी के किनारे जो ट्रीज देखने को मिलते हैं, हम लोग उनको क्या कहते हैं? मैंग्रोव्स कहते हैं, नहीं तो सुंदर वंस कहते हैं इन इंडिया। क्लियर हुआ? दी वुड ऑफ दीज ट्रीज इज ऑयली, वहां के जो किनारे, जो नदी के किनारे जो ट्रीज होते हैं, उनके जो वुड होते हैं यानी जो लकड़ी होती है, कैसा होता है? ऑयली होता है ना। एंड लाइट, लाइट यानी कि वो लकड़ी हल्का होता है जिससे बैट बनता है आपका, है ना। एंड ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए हम उस लकड़ी को या वुड को यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इन इंडियन हिमालयस, अभी देखते हैं हिमालय की बात हो रही है। थ्री टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड, हिमालय में बात करें तो तीन टाइप के, थ्री टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। कौन कौन सा देखते हैं? अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड, ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलता है हिमालय में। इन एरियाज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, मतलब हिमालय का जो सबसे ऊंची ऊंचाई पे, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड, सबसे ऊंचे पे जो है वहां पे कौन से टाइप का है? सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड। हिमालय के जो सबसे ऊंची हाइट है, अगर वहां पे जाके ट्रीज देखोगे तो आपको कैसा सीजनली ट्रीज देखने को मिलेगा? कैसे? फ्लावरिंग, जिसमें फूल आते हैं, ऐसे ट्रीज हिमालय के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस ट्रीज के ऊपर क्या आता है? अच्छे अच्छे फूल दिखाई देते हैं, फ्लावर्स आते हैं, है ना। इन रीजन विद द मीडियम अल्टीट्यूड, अगर जहां की ऊंचाई जो है, हिमालय की ऊंचाई जो है मीडियम है, हाँ, वहां पे कॉनिफेरियस ट्रीज, वहां पे आपको कॉनिफेरियस ट्रीज मिलेगा, अम्ब्रेला जैसा, है ना। अम्ब्रेला जैसा आपने देखा रहेगा, आप संता क्लोज आता है ना, एक्समस ट्रीज वैसा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनिफेरियस ट्रीज। एक्समस ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप का आपको ट्रीज देखने को मिलेगा कहाँ पे? हिमालय में, जहां पे मीडियम अल्टीट्यूड रहेगा, मतलब जहां की ऊंचाई मीडियम रहेगी। तो कौन कौन सा वो ट्रीज है? पाइन का ट्रीज है, देवदार हो गया, फिर हो गया। एंड एट फुट हिल, अगर हम फुट हिल बात करें, जो हिमालय के ग्राउंड की बात करें, नीचे की बात करें, तो वहां पे क्या? मिक्स फॉरेस्ट आर फाउंड। अगर हिमालय के हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें, नीचे की बात करें, तो वहां पे मिक्स यानी कि सभी मिक्स टाइप ऑफ प्लांट देखने को हमें मिलता है। क्लियर हुआ? दिस इंक्लूड्स बोथ, ग्राउंड के ऊपर हम बात करें तो कैनिफेरियस, माफ करना है, सी है, कैनिफेरियस एंड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साइल ट्रीज इज हाइयर। अगर हम बात करें हिमालय के पास, तो कैनिफेरियस यानी कैनिफेरियस जिसका कुछ शेप ऐसे होता है, अम्ब्रेला जैसा होता है, हाँ, ये भी। और डेसिडियस, डेसिडियस फॉरेस्ट होता है जिसका पत्ते क्या होते हैं? लीव्स गर्मियों में गिर जाते हैं ना। टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है कहाँ पे? हिमालय में। हिमालय की बात करें तो एक साल ट्री है, साल्ट ट्री सबसे ज्यादा है वहां पे। साल्ट ट्री क्या होता है, गूगल पे चेक कर लेना। क्लियर हुआ? ये था इंडिया का वेजिटेबल। अब हम देखते हैं इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो एनिमल है, कौन कौन से एनिमल कहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंडिया इज ऑल्सो मेगा डाइवर्स कंट्री इन दी टर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर हम इंडिया की बात करें तो मेगा डाइवर्स यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल इंडिया में देखने को मिलते हैं। मेगा मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर देखने को मिलते हैं।
देयर आर मेनी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अलग अलग टाइप के स्पेसीज देखने को मिलता है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन दी हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट, जहां पे गर्मी होती है या जहां पे ह्यूमिड फॉरेस्ट होता है। ह्यूमिड फॉरेस्ट यानी कि न गर्मी होता है, मीडियम टेम्परेचर होता है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? एलिफेंट यानी कि हाथी देखने को मिलता है। वन हॉर्न राइनो सेरस आर फाउंड इन स्वैम्पी एंड मर्सी लैंड ऑफ असम। अगर आप असम में जाओगे, हाँ, वहां पे लैंड कैसा होता है? स्वैम्पी होता है। स्वैम्पी यानी कि दलदल होता है ना, पेस्ट के जैसा वेट लैंड होता है। अगर वहां पे आप जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वन हॉर्न राइनो सेरस। राइनो सेरस का मतलब क्या होता है? गैंडा, एक सिंग वाला गैंडा आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? असम में। कौन से लैंड पे? जहाँ के एरिया स्वैम्पी है, स्वैम्पी या मर्सी है। मर्सी का मतलब जहां का लैंड वेट होता है, गीला होता है ना। अभी और देखो, वाइल्ड डोंकी यानी जंगली जो डोंकी होते हैं, डोंकी मतलब आपको मालूम है, एंड कैमल आर फाउंड इन द एरिड लैंड। एरिड लैंड मतलब जहां का जो क्लाइमेट है सूखा होता है, वहां पे आपको कैमल देखने को मिलेगा और वाइल्ड डोंकी देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? स्नो लेपर्ड्स एंड याक आर फाउंड इन स्नो कैप्ड रीजन ऑफ हिमालय। अगर हम हिमालय पे जाएंगे, हिमालय पे ऐसे प्लेस पे जाएंगे जहां पे क्या होता है? बर्फ जमा होता है ना। स्नो कैप्ड रीजन, स्नो कैप्ड रीजन का मतलब क्या होता है? हिमालय के वो वाला पार्ट जहां पे बर्फ जमे होते हैं, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? स्नो लेपर्ड्स यानी जो बर्फ में रहने वाले जो लेपर्ड होते हैं वो देखने को मिलेगा और याक देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? इंडियन बाइसन्स एक एनिमल है, देख लेना। डियर, एंटलॉप्स, ये सब आप गूगल पे चेक कर लेना, ये सब एनिमल्स है। कौन कौन सा? बाइसन्स, डियर, एंटलॉप्स एंड मंकीज आर फाउंड इन द पेनिनसुला रीजन। इंडिया की हम बात करें साउथ पार्ट में, पेनिनसुला रीजन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? बाइसन्स, डियर, एंटीलॉप्स एंड मंकीज देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इंडिया के पेनिनसुला रीजन में। क्लियर हुआ? इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर एंड लायंस आर फाउंड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको दोनों एक साथ मिलते हैं, कौन? टाइगर एंड लायन। दूसरे कंट्री में टाइगर और लायन नहीं पाए जाते, या तो टाइगर ही रहेगा या तो लायन ही रहेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको दोनों देखने को मिलता है। क्या? टाइगर्स भी मिलेगा और लायंस भी मिलेंगे। क्लियर हुआ? रिवर्स, एस्चुरीज एंड कोस्टल एरियाज आर होम ऑफ मेनी टर्टल्स। अगर हम रिवर्स की बात करें, जो रिवर्स हैं, या एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होता है? एक रिवर जब ओशन से मिलती है, जहां पे मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुरीज कहते हैं। कोस्टल रीजन यानी नदी का किनारा, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे टर्टल देखने को मिलते हैं, क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं, गैवियल यानी कि जिसे हम घड़ियाल कहते हैं हिंदी में, वो भी देखने को मिलता है। तो ये सब आप गूगल पे चेक कर लेना, कछुआ तो मालूम रहेगा, क्रोकोडाइल भी मालूम रहेगा, घड़ियाल भी गैवियल कहते हैं ना। अगर नहीं मालूम रहेगा तो गूगल पे चेक कर लेना, ठीक है। दी फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द सेल्टर ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स। अगर हम बात करें फॉरेस्ट यानी जंगल की बात करें और वेटलैंड की बात करें, जहां पे स्वैम्पी एरिया है, वहां पे कौन कौन लोग रहते हैं? वहां पे बर्ड्स रहते हैं। कौन कौन से बर्ड्स रहते हैं? पीकॉक रहते हैं, है ना। वैरायटी ऑफ पीकॉक देखने को मिलेगा। इंडियन बस्टर्ड, इंडियन जो बस्टर्ड होते हैं, एक बर्ड का नाम है, ये भी देखने को मिलेगा। किंग फिशर भी एक बर्ड है, ये भी देखने को मिलेगा। फीसंट, फीसंट एक बर्ड है, आप गूगल करके चेक कर लेना। डक्स यानी कि जो बतख होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेट्स देखने को मिलेगा। क्रेन देखने को मिलेगा, पिजन देखने को मिलेगा। तो ये थे इंडिया के जो हैं बर्ड हैं। कौन कौन से बर्ड हैं? पिकॉक हो गया, बस्टर्ड हो गया, किंगफिशर हो गया, फिसंट्स हो गया, डक हो गया, पैरट्स हो गया, क्रेन हो गया और पिजन्स हो गए। तो ये सारे जो बर्ड्स हैं इंडिया में पाए जाते हैं, है ना। ऑल दीज स्पेसिस मेक इट ए लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के प्लांट और एनिमल इंडिया में पाए जाते हैं, इसको इंडिया को क्या बनाते हैं? यूनिक बनाते हैं ना, एक अलग ही
दिखाया जाता है इंडिया को, यूनिक है, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलते हैं, किसका? प्लांट और एनिमल का। क्लियर हुआ? मेनी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ दी हंटिंग। अभी इंडिया में बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, यानी कि गायब हो रहे हैं। क्यों गायब हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दी हंटिंग। कुछ तो हंटिंग किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, इसके कारण बहुत सारे प्लांट और एनिमल गायब हो रहे हैं। एंड रैपिडली अक्वरिंग दी डिफोरेस्टेशन। अभी जंगलों को काटा जा रहा है, कहीं पे एग्रीकल्चर के लिए काटा जा रहा है, तो कहीं पे घर बनाने के लिए काटा जा रहा है। ऐसे सिचुएशन पे क्या हो रहा है? फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं, और जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं, है ना। बात करें चीता, तो इंडिया में बहुत कम गिने चुने चीता हैं, काउंटेबल चीता हैं, तो बहुत कम हो गए हैं, पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द नंबर ऑफ नेशनल पार्क। इनको बचाने के लिए इंडिया का जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बनाया? नेशनल पार्क बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, ताकि उन जानवरों को प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जहां पे बोलते हैं ना हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और लाइफ पूरा मिला के जो एक वायुमंडल होता है, एटमोस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं ना। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये सब बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? काम कर रही है ना। तो ये था आपका पार्ट टू। पार्ट टू कंप्लीट होने के बाद जो आपका फिफ्थ चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जो आंसर क्वेश्चन और मैप है, मैं 9 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर एक चैप्टर का मैं आपको आंसर क्वेश्चन कराऊंगा, और जितने भी मैप है उसको भी कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।